गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, मेजर चैलेंजेस इन द डेमोग्राफी, जिसमें हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में पढ़ लिया था। और दूसरा हम पढ़ रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में हमने दो टाइप के एम्प्लॉयमेंट को क्लासिफाई किया था, एक जो रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट होता और एक जो अर्बन एरियाज में। रूरल एरियाज में मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो होते थे वो बेसिकली अनएम्प्लॉयड रहते थे साल के ऐसे टाइम पे, जब वो लोग किसी भी टाइप का काम नहीं कर रहे होते हैं रिलेटेड टू एनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। और अर्बन एरियाज में मोस्ट ऑफ द पर्सन जो कि एजुकेशन ले तो लेते हैं बट लेकिन उन्हें प्रॉपर जो है जॉब नहीं मिल पाती और इसलिए वो अनएम्प्लॉयड। ओके, और रीज़न एक और भी है, ड्यू टू स्टिफ कॉम्पिटिशन भी मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, बच्चे जो हैं या फिर जो नए एजुकेटेड पर्सन जो है वो अनएम्प्लॉयड है। अब कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है बेसिकली उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला, फास्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ जो आप बोल सकते हो कॉम्पिटिशन लेवल भी ज़्यादा, बस ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स पीपल होंगे जो कि किसी जॉब के लिए वेट कर रहे होंगे। सिंस कॉम्पिटिशन ज़्यादा टफ, इस वजह से भी एम्प्लॉयमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, उसका रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ। प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, अब द प्रेशर ऑन लैंड इन एग्रीकल्चर इज इंक्रीजिंग रिजल्टिंग इन टू लेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। कॉन्सिक्वेंटली इनकम ऑफ मार्जिनल फार्मर्स ऑल्सो द पर कैपिटा इनकम हैज डिमिनिश्ड। अब पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स होते हैं उन पर भी प्रेशर डाला जाता है कि आप एग्रीकल्चर जो है उसको इंक्रीज कीजिए। तो इससे क्या होता है, लेटेंट अनएम्प्लॉयमेंट जन्म लेता है। इसका मतलब ये होता है कि क्या होता है कि आप प्रोडक्शन बढ़ा तो देंगे, ओके, बट सर्टेन लेवल टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा कि जो वो पर्टिकुलर जो क्रॉप लैंड है वहाँ उसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाएगी और उसकी वजह से अनाज ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाएगा। इफ़ ग्रेन्स प्रॉपर या जो क्रॉप प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा सो वहाँ पर उनको मोस्ट उनकी फसल ख़राब होगी और एज ए रिजल्ट वो लोग और अनएम्प्लॉयड होते जाएंगे। देन डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ भी ट्रेनिंग या उसके ओरिएंटेड सिस्टम बना हुआ नहीं है, ओके, ना ही जो हमारा सिलेबस रहता है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता था कि आगे जाके आपको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, ओके। स्पेशली जो ऐसे सब्जेक्ट्स लेते हैं लाइक आर्ट्स लेते हैं लाइक BA MA जो करते हैं वो मोस्ट ऑफ द पे जो ऐसे बच्चे रहते हैं वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। फिर आती है डिफेक्टिव प्लानिंग, कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है उसमें भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स रहे होंगे, ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करी है हमारे गवर्नमेंट के प्लान्स में, इस वजह से भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है देश में, ओके। फिर उसके बाद में लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर्स, अब रूरल पॉपुलेशन इवन टुडे हैज द फेथ ऑफ द ट्रेडिशन एंड बिलीव दैट डू नॉट वांट टू मूव आउट टू द अदर प्लेसेस। अब लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर्स का मतलब ये है कि बहुत से जो पीपल्स होते हैं वो इसी बात का ही सोचते हैं, ऐसा मतलब पुरानी बिलीव के तौर पे मानते हैं कि हमें हमारा घर नहीं छोड़ना है, हमें अपने घर के आसपास के एरिया में ही काम करना है, हमें कहीं दूर जाके काम नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मोस्ट ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो कारण यही बनता है कि मोस्ट ऑफ द जो पीपल्स हैं अपना घर छोड़ने को रेडी नहीं होते हैं कि नहीं हमने जहाँ जन्म लिया है या जहाँ हमने पढ़ाई करी हम केवल वहीं काम करेंगे, हम किसी अदर स्टेट से अदर सिटी में जाके काम नहीं करेंगे। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी स्लो है, ओके, जैसे कि जितने भी हमारे 5-5 ईयर्स के प्लान हमारे बने हैं, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है लास्ट क्लासेस में 9th में, तब हमने एक बात का ये बात हमने देखा था कि ड्रॉबैक अगर किसी भी प्लानिंग जो इनका प्लान जो प्लान बनाते थे हर 5 साल में, वो जो भी बेंचमार्क देते थे कि हमें 5 साल में अचीव करना उसको हम कभी फुलफिल नहीं कर पाए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ओके। फॉर द लैक ऑफ कैपिटल मोबिलाइजेशन द इनकम ऑफ द रूरल कल्टिवेशन इन लो एंड सेविंग्स आर नॉट जनरेटेड, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लो एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट जनरेटेड। अब जो कैपिटल जो मोबिलाइजेशन का मतलब ये है कि जो रूरल जो कल्टिवेटर्स हैं बेसिकली फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाता है, जिस पैमाने पर वो फसल चाहते हैं कि वो अपनी बेच सके वो ऐसे उस पैमाने पर वो अपनी फसल नहीं बेच पाते हैं। फिर मशीनाइजेशन आ गई इंडस्ट्रीज में, ये एक और बहुत बड़ा कारण है, मशीन से आजकल सारे काम होते हैं, सो ऐसे पीपल जिनका टेक्निकल नॉलेज होगा या जिसको मशीन ऑपरेट करना आता होगा केवल वही एम्प्लॉयड रहेंगे। ऐसे लेबर जो कि अनस्किल्ड है जिनको मशीन चलाना नहीं आता है तो वहाँ पर उनको दिक्कत परेशानी होती है, ओके। फिर उसके बाद में जो है एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस नहीं है कि कैसे जो है मतलब द
बहुत सारे वेरियस सेंटर्स होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का गाइडेंस देना देते हैं अदर कंट्रीज में, पर लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी ऐसा एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस अथॉरिटी नहीं है या फिर ऐसे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि पीपल्स को यू नो गाइडेंस दे सकें एम्प्लॉयमेंट से बेसिस पे। ओके, अब इन सारे रीजंस की वजह से कुछ एडवर्स इफेक्ट भी पड़ते हैं एम्प्लॉयमेंट में। सबसे पहला वेस्ट ऑफ मैन पावर। मैन पावर का वेस्ट होना मतलब कि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे पीपल हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है जिनका मैन पावर वेस्ट जा रहा है, उनके अंदर क्षमता है कि वो कहीं भी जाके काम कर सकें, पर लेकिन इससे होता क्या है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन तो बहुत है पर लेकिन हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री की जो सबसे बड़े रिसोर्स होती है ना वहाँ की जनता होती है, मीन्स वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है सबसे बड़े रिसोर्स होती है ना। कहने को जो इंडिया जो देश है वो एक युवा नेशन है, बट लेकिन अगर यहाँ पे युवा ही अगर अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो ये देश तरक्की कैसे करेगा। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे मैन पावर का वेस्टेज हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिंडनेस आती है, मतलब रुकावट आती है। जाहिर सी बात है बहुत से पीपल्स अनएम्प्लॉयड होंगे तो गरीबी ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा गरीबी बढ़ेगी तो इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर पाएगा कोई भी देश। वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, जैसे मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं जो है कंट्री जो है बहुत सारा मनी जो है इन्वेस्ट कर रही है देख पॉपुलेशन को देखते हुए, चाहे वो हेल्थ सर्विस हो चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, वेरियस पॉलिसी स्कीम्स बना रही है बट लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लॉन्च करी, बट लेकिन कहीं ना कहीं जो वो इन्वेस्टमेंट करी उस हिसाब से उसको आउटकम नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट हो रही हैं, स्पेशली जो मनी जो है वेस्ट हो रही है जो गवर्नमेंट लगा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल पाए। फिर आती है सोशल प्रॉब्लम, जो कि अनएम्प्लॉयड पीपल है वो कहीं ना कहीं विक्टिम बन जाते हैं किसी टाइप के क्राइम का, चोरी, जब आपके पास ऑब्वियसली बात जब काम नहीं होगा तो कुछ ना कोई इल्लीगल मीन्स वो लोग इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, बेईमानी करना स्टार्ट कर देते हैं, चोरी डकैती ये सारे चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट पर और बोझ बढ़ जाता है कि इन क्राइम्स को कैसे रोका जाए, फिर उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, वेरियस डिपार्टमेंट्स को लगाया जाता है। सो कहीं ना कहीं ये सोशल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट गिव राइज टू डिससैटिस्फेक्शन एंड एंगर अगेंस्ट द गवर्नमेंट रिजल्टिंग इनटू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और कहीं ना कहीं पीपल्स अनएम्प्लॉयड होते हैं तो सारा दोष किसको देते हैं, सरकार की, गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बनाई। तो इससे क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा किसी स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाती जस्ट बिकॉज किसी भी गवर्नमेंट को पूर्ण तरीके से मेजोरिटी नहीं मिल पाती है। सो वहाँ पर गुस्सा कहीं ना कहीं उन पीपल्स का ही होता है जो कि अनएम्प्लॉयड है, तो कहीं ना कहीं वो अपना गुस्सा निकालते हैं एंड एज अ रिजल्ट जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। देन कम्स वेज एंड मीन्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम एम्प्लॉयमेंट को कम कर सकें या ख़त्म कर सकें। सबसे पहले हमें टाइम टू टाइम हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है आने वाले समय में अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ता जाएगा, तो उसमें हमें प्रॉपर समय रहते हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक लगाना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो हमें स्मॉल या फिर कॉटेज इंडस्ट्री, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, अगर हम छोटी स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज अगर हम सेटअप कर दें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। रीज़न क्या है कि गाँव से पीपल सिटी में ओके, कहीं ना कहीं सिटी में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है पर लेकिन अगर जैसे गांव के पीपल भी वहाँ आ जाते हैं तो होता क्या है ये कि एक तो सिटी में कंपटीशन इतना ज़्यादा हैवी होता है, और ज़्यादा अनएम्प्लॉयड पर्सन आ जाते हैं तो केवल गिने चुने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है। अगर गाँव में ही अगर इसी कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल इंडस्ट्रीज रहेगी तो गाँव के पीपल को सिटी में माइग्रेट करने की नीड नहीं पड़ेगी, सिंस वो सिटी में माइग्रेट नहीं करेंगे अपने गाँव में उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। सिटी के पीपल जो शायद वहाँ पर जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा उनकी सारी वैकेंसीज कम हो जाएंगी और उन की जगह ये लोग जाके काम कर पाएंगे। ओके, फिर आता है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंजेस लानी पड़ेगी, ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कोर्स जो सिलेबस है उसमें ऐसे एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, तब जाके जो है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है इसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो पाएगी। फिर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सरकार को पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे। इसके लिए जो है गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज निकालती है और बहुत सारी जो मेजर जो फॉरेन जो या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो आजकल इंडिया की तरफ रुख कर रही हैं जस्ट बिकॉज जो गवर्नमेंट उनको जो लुभा रही है, ताकि इससे क्या होगा कोई नई बड़ी फैक्ट्री बड़ी सेटअप होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ओके,
इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडरी ऑक्यूपेशन को डेवलप किया जाए रूरल एरियाज़ में, स्पेशली सब्सिडरी ऑक्यूपेशन, जैसे कि लाइक लोगों को केवल इस बात का उनकी काउंसलिंग की जाएगी, केवल आपको केवल एक ही टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन पर डिपेंडेंट नहीं रहना, जैसे लाइक एग्रीकल्चर उसमें डिपेंडेंट नहीं रहना, इसके अलावा डेयरी फार्मिंग कर सकते हो, पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो, सो बहुत सारे अदर भी तरीके हैं, तो उनको अपनाया जाए ताकि एक तरीके आपके पास एक अलग से एक अदर सोर्स हो आपका इनकम का। ओके, ट्रेनिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, चाहे स्किल्ड वर्कर्स हो अनस्किल्ड वर्कर्स, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए ताकि जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उन वो भी स्किल्ड लेबर्स बन जाए, और जो स्किल्ड लेबर्स हैं जो कि उनको और ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो किसी भी फैक्ट्री में या और हाई पोस्ट में अच्छे से काम कर सकें। ओके, एक्सटेंशन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जो हमारे गवर्नमेंट ने वेरियस रोजगार स्कीम, जवाहर रोजगार स्कीम, मनरेगा, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जो एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम बनाई है उनको और आगे जाके और बढ़ानी चाहिए और वेरियस स्कीम लॉन्च करनी चाहिए। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट लेके आनी चाहिए, न्यू स्कीम्स लेके आना चाहिए, जहाँ पर जो है फार्मर्स को इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, प्रॉपर टेक्निक्स, इम्प्रूव टेक्निक्स वो उनको मिले। इसके साथ साथ उनके लोन्स में इसमें सब्सिडीज मिलना स्टार्ट हो जाए, जिससे कि एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़े और एग्रीकल्चर जो ऐसे पीपल जिनकी प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, उनको भी ज़्यादा नुकसान ना। ओके, ये कुछ ऐसे मेजर्स थे जिससे हम एम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा हर्डल जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री या भी हमारे देश में, वो कम्युनिज्म का। कम्युनलिज्म जो है वो बेस्ड होता है केवल धर्म के बेसिस पे नहीं, कास्ट के बेसिस पे भी होता है कि लाइक आप हायर कास्ट के हो, आप लोअर कास्ट में हो, इसमें भी बहुत ज़्यादा कम्युनलिज्म होता है, यानी कि बेस्ड ऑन द कास्ट और रिलीजियन या सेक्टर के बेसिस पे किसी के साथ भेदभाव करना, उसके राइट्स नहीं देना या उनकी आलोचना करना या पॉलिटिकल डिबेट करके चुनाव जीतना, ये सारी चीज़ें कम्युनलिज्म में आती हैं। ओके, हमारे देश में देयर आर वेरियस कास्ट, वेरियस रिलीजियंस, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती है। अब कम्युनलिज्म जो है वो इंडिया में आज से नहीं या कुछ सालों में नहीं है, ये इंडिपेंडेंस यानी देश की आज़ादी से पहले ही था, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में ये देखा कि यहाँ पे वेरियस धर्म, जाति, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन इंडियंस को तोड़ा जाए। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, इनको डिवाइड करना चाहा, और जो मेन इसमें वो काम हुए वो थे हिंदू एंड मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए, और वो देश की आज़ादी से पहले से ही चलता आ रहा। ओके, ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी जो कि ये चाहती थी कि इंडिया देश में कम्युनिज्म फैले और इंडिया जो है दो अलग हिस्सों में बट जाए। ओके, जो कि पहले एक समय पहले जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत में कि यहाँ पर वेरियस रिलीजन्स, कास्ट एग्जिस्ट करते हैं, पर लेकिन आगे जाके ब्रिटिशर्स के अराइवल के बाद ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई, और इनफैक्ट आज भी मॉडर्न डे पॉलिटिक्स में इस कम्युनलिज्म या जाति या कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर पॉलिटिक्स होती है और लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि उनकी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल पाए। ओके, इसके साथ साथ पॉलिटिशियंस कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि अनरीजनेबल डिमांड करते हैं जस्ट बिकॉज वो डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन्स या माइनॉरिटीज से आते हैं, तो उनकी अलग अलग मांग होती है जो कि बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो रहता है। ओके, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स अपने सेल्फिश मोटिव के लिए जस्ट बिकॉज उनकी पार्टी या उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिले, तो वो जातिवाद या फिर धर्मवाद जो है वो पॉलिटिक्स करना लगता है, भड़काऊ भाषण दे देना या लोगों के मन में फूट डाल देना किसी पर्टिकुलर लीडर्स के बारे में कि लाइक वो पर्टिकुलर रिलीजन का है तो वो इस रिलीजन के लिए ही काम करेगा, आपके लिए कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो कि अपने खुद के सेल्फिश मोटिव की वजह से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उसमें भी सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लोग इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं, बिकॉज दे आर ना अनएजुकेटेड पीपल को कुछ पता नहीं होता, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स अपने फायदे के लिए सब बोल रहे हैं, एज अ रिजल्ट जो होता है इंडिया में कम्युनलिज्म बढ़ता जा रहा है। कुछ कंट्री भी इसमें साथ देती हैं, प्रोपोगेंडा बनाती है कि लाइक वहाँ के जो माइनॉरिटी पीपल हैं या दूसरे जाति के पीपल हैं या दूसरे धर्म के पीपल, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो वो एक प्रोपोगेंडा बनाते हैं और लोगों जो आग लगी रहती है या फिर चिंगारी लगी रहती है उसको हवा देकर आग में बदल देते हैं। ओके, कभी कभी गवर्नमेंट भी थोड़ा डिले करती है, अगर अप्रोप्रिएट टाइम पे किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर एक्शन ले लिया जाए तो इस कम्युनलिज्म को रोका जा सकता है, बट गवर्नमेंट जो है बहुत समय ले लेती है किसी पर्टिकुलर पर्सन पे एक्शन लेने के लिए, एज अ रिजल्ट जब तक वो एक्शन लेती है तब तक बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। ओके,
और कहीं ना कहीं जो डिफरेंट रिलीजन्स के अपने अलग लॉ है, अलग धारणा है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है इसमें कि इंडिया में कम्युनलिज्म क्यों है। ओके, अब कम्युनलिज्म होने से क्या होता है? एक तो सबसे पहले दंगे फसाद बहुत होते हैं, पब्लिक प्लेस प्राइवेट प्लेस इन दोनों ही प्रॉपर्टी जितनी भी होती है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ना कि जो लोग ही अपना गुस्सा पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पर उतारते, जब भी रायड्स होते हैं, बसेस की बसेस, ट्रक्स, दुकान सब जलाते हैं, लूटपाट करते हैं। ओके, कभी कभी ऐसे पीपल भी इलेक्शन जीत जाते हैं जस्ट बिकॉज कम्युनलिज्म की वजह से। कम्युनलिज्म की वजह से कभी ऐसे लोग भी इलेक्शन जीत जाते हैं जिनका कोई चांस नहीं होता, केवल उन्होंने धर्म के वजह से किसको भड़का दिया है, वहाँ के लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं, एज ए रिजल्ट वो लोग उनको वोट दे देते हैं और नॉन डिज़ायर्ड या फिर अनडिज़ायर्ड कैंडिडेट या अनसुटेबल कैंडिडेट भी इलेक्शन जीत जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं बाधा बनता है। ओके, जिससे कि बहुत ज़्यादा यू नो प्रॉब्लम होती है, फिर बाद में उसको जो सॉल्व करते हैं बेसिकली जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, पुलिस हैं, आर्मी हैं, इनको ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है, रायड्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कम्युनलिज्म से। अब हम इसको रोक कैसे सकते हैं, कि हम इस कम्युनलिज्म को कैसे रोक सकते हैं? प्रेयर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, देर शुड ऑर्गेनाइज कम्बाइंड प्रेयर्स फॉर ऑल रिलीजन्स। ऐसा सुझाव है कि सारे प्रेयर्स जितने भी जो अलग अलग धर्म के हैं उनके कम्बाइंड एक साल भर में या दो साल में एक बार ऐसे कम्बाइंड प्रेयर होने चाहिए, जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिले हैं और जो ये रिलीजियस जो डिफरेंस है वो कम हो। एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जाए, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी दी जाए कि लाइक नो हर धर्म जो होता है एक ही बात सिखाता है, उनके कॉन्ट्राडिक्शन करने चाहिए, उनके सिमिलरिटीज़ बतानी चाहिए और ये एजुकेशन है जो है स्प्रेड करनी चाहिए। जब हमारी कोई भी गवर्नमेंट जब लॉ फ्रेम करती है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी को इक्वल दर्जे से देखें, किसी की धर्म जाति इसके साथ भेदभाव ना करें, और हमारे जो लीडर्स हैं उनको भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि सारे जो पीपल्स हैं वो एक हैं, इक्वल हैं, किसी को भी जातिवाद या फिर धर्मवाद जो है प्रोपोगेंडा, इलेक्शन प्रोपोगेंडा नहीं बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये हमारे लीडर्स को ध्यान देना चाहिए। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन और ऐसा कोई कैंडिडेट नज़र आता है तो सख्त कानून बनने चाहिए, जो कि जातिवाद पॉलिटिक्स कर रहा है या धर्मवाद पॉलिटिक्स कर रहा है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, उसका नॉमिनेशन कैंसिल कर देना चाहिए। तो ऐसे कुछ कानून, कुछ लॉज या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को अगर कम्युनलिज्म को आगे जाकर रोकना है, वरना बहुत बड़ा खतरा बन सकता है आने वाले कुछ साल में। ओके, और उसके साथ साथ जो स्पेशल अटेंशन देना चाहिए जो एजुकेशन, जो इस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेशन की एजुकेशन स्प्रेड करते हैं कि इस जाति के लोग ख़राब हैं या फलाने धर्म के लोग जो है अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे लोगों पर रोक लगानी चाहिए। इनके जो ये जो अपने भाषण या फिर जो स्पीचेस देते हैं उन पर रोक लगानी चाहिए, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट शुड नॉट एक्ट इन ए मैनर विच इनकरेज कम्युनलिज्म। गवर्नमेंट को भी कभी ना इस तरीके से एक्ट नहीं करना चाहिए कि कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिले, लाइक जैसे प्रॉपर समय पर प्रॉपर एक्शन लेने चाहिए, ऐसा नहीं है डिले कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट भी शायद कम्युनलिज्म के बेसिस पर अपनी गवर्नमेंट को रन कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती है और उसके सॉल्यूशंस भी है, लेकिन गवर्नमेंट को उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो हम सबसे बड़ा टॉपिक जो है टेररिज्म, चाहे वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो या कोई मोनार्चिकल गवर्नमेंट है, टेररिज्म सबसे बड़ा थ्रेट होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में हो चाहे आप किसी अलग हिस्से में हो। टेररिज्म जो है आज का एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है हर वर्ग, हर कास्ट, हर रिलीजन जो है उसको फेस कर रहा है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।